Hey guys, so today we are doing nothing, just doing what we do every day is आज हम इंडेस की दुनिया में घूमने चलते हैं. सो विदाउट डूइंग एनी ओवर ड्रामा लेट्स डायरेक्टली प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन दैट इज द टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडेस 109 दैट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो हम उसको डिस्कस करते हैं एंड दैट्स इट. ओके सो सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है. व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली टॉक्स अबाउट. 1 अप्रैल 2001 को सन लिमिटेड ने गारंटी दी. हम क्या बोल रहे हैं दैट 1 अप्रैल 2001 में सन लिमिटेड ने गारंटी दी है 10 लाख लोन ऑफ अ सब्सिडी. लोन फॉर मतलब सन लिमिटेड गारंटी दे रहा है उसकी सब्सिडी को. सब्सिडी का नाम क्या है. मून लिमिटेड विच बैंक एसटीडी के हैज प्रोवाइडेड टू मून लिमिटेड फॉर 3 इयर्स एट 8%. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई इट्स जस्ट लाइक अ केस कि कोई एक पेरेंट जो है एक बाप अपने बेटे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है समथिंग लाइक दैट. तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो सन लिमिटेड है वो गारंटी दे रहा है मून लिमिटेड को. गारंटी दे रहा है मून लिमिटेड को और वो ये सारा जो अमाउंट है वो बैंक देगा क्योंकि गारंटी दे रहा है सन लिमिटेड. और गारंटी दी जा रही है इस वजह से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% हो जाएगा अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे हमें दे रखा है. उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट है दैट द सेम आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर. इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो आखिर में हो जाएगा. प्रिंसिपल जो है वो रीपे होगा एट द एंड ऑफ लोन टर्म. प्रिंसिपल जो है वो सारा आखिर में पे हो जाएगा. कितने टाइम का टेन्योर है यहाँ पे 3 इयर्स. ओके उसके बाद इफ सन लिमिटेड हैड नॉट इश्यू गारंटी बैंक एसटीडी के वुड हैव अ चार्ज मून लिमिटेड एट एन इंटरेस्ट. अगर सन लिमिटेड गारंटी नहीं देता ना उस केस में क्या हो जाता. उस केस में जो मून लिमिटेड को ये जो सारा लोन वगैरह पड़ता वो सारा 11% पड़ जाता. सन लिमिटेड डज नॉट चार्ज मून लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग द गारंटी. सन लिमिटेड कोई भी पैसा नहीं ले रहा है मून लिमिटेड. इट्स जस्ट लाइक कि कोई अपना कोई एक पिता जो है एक फादर जो है अपने सन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो बदले में कुछ नहीं ले रहा है. इट्स समथिंग जस्ट द सिमिलर केस. उसके बाद ऑन 31 मार्च 2002 को देर इज अ 1% प्रोबेबिलिटी दैट मून लिमिटेड मेड डिफॉल्ट. तो हियर वी हैव गिवन द परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट दैट इज नथिंग बट 1% डिफॉल्ट कि वो जो है डिफॉल्ट कर देगा ऑन द लोन इन द नेक्स्ट 12 मंथ. यानी कि एक साल बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर एंड पे एक साल बाद इतना कर देगा. मतलब वो 2002 आएगा ऑफ कोर्स 1 अप्रैल से शुरू हुआ है 2001 से तो एक साल बीत जाएगा. 31 मार्च 2002 में हम देख रहे हैं कि हो सकता है देयर मे बी 1% डिफॉल्ट. ऑलराइट इफ मून लिमिटेड डिफॉल्ट ऑन द लोन सन लिमिटेड डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम मून लिमिटेड. अगर मेरा अगर सन लिमिटेड बोल रहा है अगर मून लिमिटेड कोई डिफॉल्ट कर लेता है ना तो आई विल नॉट चार्ज एनी रिकवरी अमाउंट. मुझे नहीं चाहिए. उसके बाद ऑन 31 मार्च 2002 यानी कि एट द सेकेंड ईयर एंड 2001 से 2 31 मार्च 1 ईयर कंप्लीटेड 2 से 3 सेकेंड ईयर कंप्लीटेड. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर देर इज अ 3% प्रोबेबिलिटी दैट मून लिमिटेड में डिफॉल्ट करेगा ऑन द लोन इन द नेक्स्ट 12 मंथ. इफ मून लिमिटेड डिफॉल्ट ऑन द लोन अगर मून लिमिटेड डिफॉल्ट कर लेता है ऑन लोन पे देन सन लिमिटेड डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम द मून लिमिटेड. अगेन वी आर नॉट रिकवरिंग जस्ट जाने दो. ऑलराइट उसके बाद मतलब सन लिमिटेड ऐसा बोल रहा है कि वो नहीं रिकवर करना चाहता है. प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी एज पर इंडियाज 109. व्हाट वी नीड टू डू एस टू प्रोवाइड हमें बताना है व्हाट विल बी द फाइनेंशियल गारंटी क्या होगी. इंड एस 109 के अकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन. पहले आप 1 अप्रैल 2001 की इनिशियल रिकॉग्निशन वाली एंट्री बताइए. उसके बाद सब्सिक्वेंट पीरियड में आप क्या करने वाले हैं अकॉर्डिंगली वो हमें सब बताना है. ऑलराइट सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन एंड देन प्रोसीड फॉर द थिंग्स. सो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्टली वी नीड टू कंप्यूट. तो हमें क्या करना पड़ेगा. हियर बाय इज फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेशन करनी होगी हमें ऑफ द फाइनेंशियल
फेयर वैल्यू की इंडेक्स किसके वादे करता है? फेयर वैल्यू की, तो वी आर डूइंग द सेम थिंग, कैलकुलेशन कर रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ द व्हाट, ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी, ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ये बहुत ज्यादा इसका फॉन्ट बड़ा हो गया है, ओहो कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ आ गए हम। किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट, इसको छोटा कैसे करूँ मैं? पैसे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन डेट, करेक्ट? तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, वट वी आर डूइंग बेसिकली हियर, कैलकुलेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी और इनिशियल रिकॉग्निशन डेट, जो कि हमारी क्या आएगी, इनिशियल रिकॉग्निशन डेट 1 अप्रैल 2001 आएगी। अकॉर्डिंगली हम यहाँ आगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करो कि आपको 3 साल दे रखे हैं, करेक्ट? तो 3 साल दे रखे हैं तो अकॉर्डिंगली 1 देन 2 एंड देन 3 ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा जो लोन से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हम करेंगे यानी कि हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट है ना, तो हम फेयर वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एज अ कैश फ्लो ट्रीट करते हैं उसे, यानी कि 10 लाख की जो लोन की गारंटी है वो कितने परसेंट पे, 8% पे, राइट? तो ये है हमारी 8% पे एंड ऑल सच थिंग। बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इज दैट, सबसे पहले ये क्या केस है, इसमें गारंटी भी दी है और बिना गारंटी के इंटरेस्ट रेट कितनी होती थी ये सब दिया हुआ है। तो आपको 10 लाख × 11% करना है, पहले तो आपको इंटरेस्ट रेट लगाना है ऑफ व्हाट, ऑफ द गारंटी वाले अमाउंट पे, क्योंकि अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि जब आपको गारंटी नहीं मिल रही है तब आपका कितना जा रहा है, और जब आपको गारंटी मिल रही है तब आपका कितना बन रहा है अमाउंट, और उसका एग्जैक्ट आपको सेविंग कितनी हो रही है, और सेविंग पे हम पीवी फैक्टर लगाएंगे ऑफ द गारंटीड वैल्यू वाला यानी कि 11%, और अकॉर्डिंगली वी विल कंप्यूट द फेयर वैल्यू। ओके, तो हमें ऐसे कंप्यूट करना है, तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे लिखना है, इसका फॉन्ट बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर दूँ। यहाँ में हमें इंटरेस्ट रेट लिखना है, लिखने में इतनी दिक्कत हो रही है कि वी शुड गो टू,
ओके, तो ये है हमारा, उसके बाद हम यहाँ ईयर लिख लेते हैं। दिस विल कम एज 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो हमें एट द रेट ऑफ 11% लगाना है। मैं यहाँ पे परसेंट स्पेसिफिकली लिख रही हूँ, वरना वो एक्सेल फिर से कुछ और पकड़ लेगा। एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 लाख इंटू 11% हमें करेंगे ना, तो हमारा आएगा 10 लाख इंटू 11% कितना हो जाता है, 1,10,000। मैं कैंसिल कर रही हूँ। तो ये तो हमारा आ जाएगा यहाँ, वैसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1,10,000। उसके बाद है यहाँ पे 18,000, और अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पे नहीं लिखना है इसको, यहाँ पे हमारा है इंटरेस्ट जो है विद गारंटी, कितना इंटरेस्ट विद गारंटी हम लिख सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं वो कितना है, दैट इज 8% है। ठीक है, तो ये आप समझ जाओ कि ये 8% है, मैंने और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। अगर कुछ गलत भी लिखा गया है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द सेम कि मैंने यहाँ 8% लिखा है। उसके बाद अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो अकॉर्डिंगली इट विल कम एज 80,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंट्रोल डी कर देती हूँ मैं, कंट्रोल डी के नाम। उसके बाद यहाँ पे भी 1,10,000, और यहाँ पे भी 1,10,000। नाउ कम्स दी, इसको मैं आपके लिए बड़ा करूँगी। ये आ गया हमारा, यहाँ से भी तो बढ़ा जाता है, प्रॉब्लम ये है। उसके बाद हमारा सेविंग कितना हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हाउ विल बी अवर सेविंग्स, सेविंग्स विल बी 30,000 इन ईच केस, तो दिस विल ऑल्सो कम एज 30,000 एंड देन 30,000 एंड देन 30,000। उसके बाद हम दोनों को ये कर लिया, अब यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा हमारा गारंटीड वाला, या इंटरेस्ट एट इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट ऑफ गारंटी वाला, मतलब वो रेट लगेगा विदाउट गारंटी, सॉरी। यहाँ लिख लेती हूँ मैं डायरेक्टली, बिना गारंटी के हमारे कितने में पड़ जाता, दैट इज 11%। 11% तो अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे हमें पीवी फैक्टर करना है, तो वही अगेन 11 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, यानी कि 1.11, यानी 1 डिवाइड 1.11 ये हमारा आ रहा है। हम इसको कुछ स्पेसिफाई कर रखा है क्या कि कितने डेसिमल तक लेना है, और इसको हम यहाँ से बंद करें तो इट विल बी मच बेटर फॉर अस, बट ये ऐसे जाएगा नहीं, इस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं। डोंट सेव, वी डोंट सेव दिस फाइल। यहाँ पे हमें कोई डेसिमल का कुछ लिखा नहीं है ना, आई थिंक सो। ओके, नहीं लिखा है, तो हम इससे ऑन एन एवरेज लिख लेते हैं 4 डेसिमल तक। ठीक है, तो पॉइंट ये क्या क्या हमने 1 डिवाइड बाय 1.11 इतना आ गया, तो हमारा आ रहा है 0.9009। उसके बाद आ रहा है हमारा 0.8116। अगर आंसर में थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाता है तो उसको हम अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे। इन्होंने उसके बाद हम मान रहे हैं यहाँ 0.7311, ये सारा आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमें सारे यही पॉइंट चाहिए, तो हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद हमने किया 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9009 एंड प्लस 30,000 मल्टीप्लाई 0.8116, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7311, तो अकॉर्डिंगली ये आ रहा है हमारा 73,0308। तो हमारा ये आंसर
इतना आ जाता है। ये आ गया, तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, व्हाट विल बी अवर जर्नल एंट्री, अवर जनरल जर्नल एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2001 विल बी व्हाट, ये क्या है, एट इनिशियल रिकॉग्निशन डेट पे इट विल बी व्हाट, इट विल बी, हम क्या कर रहे हैं, सन लिमिटेड क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बेटे में, तो इन्वेस्टमेंट इन, इट्स लाइक व्हाट, इट्स लाइक द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी मून लिमिटेड। हमें एंट्री किसकी बुक में करनी होती है, गारंटी वाले केस में, हमें जो गारंटी दे रहा है उसकी बुक में, यानी कि इन द बुक ऑफ सन लिमिटेड की बुक में, तो इन द इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द सब्सिडरी ऑफ, इन द सब्सिडरी मून लिमिटेड, यहाँ मून लिमिटेड। और टू, ये क्या है, टू फाइनेंशियल गारंटी, लाइबिलिटी अराइज होगी फाइनेंशियल गारंटी, इट्स लाइक ऐसा, और किस अमाउंट पे जो हमने कैलकुलेट किया, 73,308 और 73,308। उसके बाद हमें फर्दर आगे चलना है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के आगे में ऐसा बोला जा रहा था कि 1 साल हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि देर इज़ अ 1% डिफॉल्ट, तो वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विच इज़ गिवन एज 1%। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हमें दिया है वो कितना है, वो 1% दिया है। तो अकॉर्डिंगली जब हम कैलकुलेट करेंगे 10 लाख का जो हमारा लोन था, उस पे 1% के हिसाब से कितना बनता है, उस पे 1% के हिसाब से बनता है, दैट इज 10,000, 10 लाख का 1% विल बी 10,000। ओहो, ये क्या है, तो ये आ जाएगा। अब हमें वापस फेयर वैल्यू निकालनी है एट फर्स्ट ईयर एंड, बिकॉज 12 महीने हो चुके हैं, ये तो हमने इनिशियल पे की थी, तो आफ्टर हम क्या बोलेंगे, एट फर्स्ट ईयर एंड पे फिर से हमें निकालनी होगी। तो हमें अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर एंड पे क्या, 1 साल निकल चुका है, तो यहाँ पे हम जब ईयर का कॉलम बनाएंगे तो वी विल सी कि 1 साल तो निकल चुका है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा अकॉर्डिंगली हमें वो देखना है। अब क्या यहाँ पे फिर से हम वही करते हैं कि 10 लाख का 11%, फिर 10 लाख का 8%, फिर 7 हुई अल्टीमेटली 30,000 की, फिर उसी को पीवी फैक्टर से करेंगे 11% वाला, विदाउट कैसे, बिना गारंटी का कितना इंटरेस्ट लगता है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेविंग्स लिख के भी कर सकते हैं, देर इज़ नो हार्म, वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस पोर्शन में, हमने करके दिखा दिया, तो हमें बार बार करके दिखाने की आई डोंट थिंक सो नीड है, इंस्टीट्यूट ऑल्सो अंडरस्टैंड द सेम थिंग। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें वापस उसका पीवी फैक्टर दिखाना है, वही 11% वाला हमें दिखाना होगा। तो 11% पे हमें दिखाना है, बस यहाँ मैं ये लिख लेती हूँ 11%, ये ऐसा आएगा नहीं, तो PVF 11, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब हम 1 साल खत्म करके आ चुके हैं, अब हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट डे पे खड़े हैं, तो वहां से 1 साल और वहां से 2 साल, तो हम ये नहीं बोल सकते हम दूसरे साल पे खड़े हैं, दूसरे साल का सीधा ले ले, नहीं, अब हम 1 साल खत्म करके आ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं अब कितना, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएगा 0.9008 आई थिंक सो, और यहाँ कितना था, 0.9009, और फिर था 0.8116, यहाँ पे भी ये है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ की हमारी जो फेयर वैल्यू आएगी वो आएगी
30,000 × 0.9009 और 30,000 × 0.8116, दिस विल बी कम एज 51375, इतना ही अप्रॉक्स मिल जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये है ये वाला अमाउंट ये, और जो फेयर वैल्यू है ये, इसका आपको लेना है हायर ऑफ, क्योंकि यहाँ हम कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसका फेयर वैल्यू इतना और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इतना, हम ज़्यादा वाले अमाउंट को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव कंसेप्ट, मतलब ज़्यादा लॉस को मान के चल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, हम ज़्यादा गारंटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा इसको हम कंसिडर करेंगे, तो जो फेयर वैल्यू है एट फर्स्ट ईयर एंड पर वो कितनी है, वो है हमारी 51,375, इतनी आ गई हमारी। उसके बाद अगर हम देखें कि फाइनेंशियल इंक्रीज इन डिक्रीज हुआ है, सॉरी देर इज व्हाट, देर इज अ डिक्रीज इन फाइनेंशियल गारंटी। डिक्रीज कितने से हुआ है, डिक्रीज हुआ है हमारा द रेस्पेक्टिव अमाउंट, जो कि कितना आएगा हमारा, आ जाएगा अकॉर्डिंगली 73308 − 51375, तो ये आ जाएगा हमारा 21,933, इतना आ जाएगा हमारा डिक्रीज इन फाइनेंशियल गारंटी। जैसे ये हमारा अमाउंट आएगा तो हमें क्या करना है, एक एंट्री पास करनी होगी एट द फर्स्ट ईयर एंड पे। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, विल बी डिक्रीज हुआ है ना फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल गारंटी विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट 21,933, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 P&L 21,933। अब हमें ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में भी करना है अकॉर्डिंगली, तो आई थिंक यू मे डू द सेम। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट मारूँ, इससे अच्छा मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेती हूँ एट सेकेंड ईयर एंड। सेकेंड ईयर एंड पे क्या होगा हमारी, सेकेंड ईयर एंड पे भी फिर से वही सारा ड्रामा कि अब सेकेंड ईयर पे आ गया, अब कितना साल बचा, 1 साल, तो हम क्या यहाँ पे वो निकाल रहे हैं अभी का, और फिर से हमारा अब तो 30,000 ही बचेगा। ओहो ये क्या हो गया, सेकेंड ईयर एंड पे यहाँ पे जो हमारी सेविंग्स जिसे हम बोल रहे हैं सेकेंड ईयर एंड पे, यानी कि अब सेकेंड ईयर के एंड पे खड़े, आप कितना साल है, टोटली 3 साल थे, तो अब 1 साल और है, तो हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं 30,000 की सेविंग होगी हमें। पीवी फैक्टर उतना ही लगेगा 11% वाला, और वो आ जाएगा 0.9009, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 30,000 × 0.909, तो ये आ जाएगा हमारा 27,027, ये तो हमारा ये आ गया। और जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाला तो वो आएगा हमारा 10 लाख का, 10 लाख का 3%, 10 लाख का 3% कितना होता है, 30,000। तो इस वाले केस में हमारा हायर क्या है, इस वाले केस में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा हायर जो है वो 30,000 है, हायर ऑफ लेना है। हायर ऑफ यानी कि हमने जितना फेयर वैल्यू निकाला, या फिर हमारा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम ज़्यादा उसको कंसिडर कर रहे हैं कि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेड लॉस है या जो भी है हमारा, उसको ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमें एज सच प्रॉब्लम ना हो। यहाँ 30,000 को कंसिडर किया है हमने, तो अकॉर्डिंगली हमारी जो अब यहाँ पे हमारा कितना डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हमारा डिक्रीज हुआ है। हम पहले जो हमारी फेयर वैल्यू थी सेकेंड ईयर एंड पे वो थी 51,735, 51 कितना है वो, 51,375 थी माइनस, और अब हम 30,000 पे आ गए हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो फाइनेंशियल गारंटी है 50,000 माइनस, सॉरी 51,375 माइनस 30,000,
तो ये आ जाएगी हमारी 21,375, इतने अमाउंट से हमारी ये आ जाएगी, ये बुक हो जाएगी यहाँ पे। तो जब हम इसके एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, वापस एंट्री करेंगे, हमारी फाइनेंशियल गारंटी जो है वो कम हो चुकी है। तो हम एंट्री करेंगे एट द सेकेंड ईयर एंड पर, सेकेंड ईयर पे खड़े हैं हम, सेकेंड ईयर के आखिरी पे खड़े हैं, थर्ड ईयर का एस्टिमेशन लगा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब तो यही हुआ। तो हमारी जो फाइनेंशियल गारंटी है, फाइनेंशियल गारंटी जो है वो हमारी रिड्यूस हो गई, 21,375 से रिड्यूस हो गई, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू वॉट, टू पी एंड एल। वो कितने से आएगा, 21,375 अकॉर्डिंगली ये हमारा आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट वी हैव डन एवरी एंट्री हियर बाय, पहले फाइनेंशियल गारंटी का हुई, फिर यहाँ फर्स्ट ईयर इनिशियल रिकॉग्निशन पे की एंट्री दी हमने, और उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर एंड के भी दी, सेकेंड ईयर एंड के भी दी एंड अकॉर्डिंगली। तो आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन में और कुछ पूछा है, फिर भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में और कुछ पूछा है या नहीं। प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी एज पर 109 इन द बुक्स ऑन इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट पीरियड टिल 31 मार्च 2003। 31 मार्च 2003 इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम एक बार, अगर क्वेश्चन में कुछ और भी किया हो तो। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू फाइनेंशियल गारंटी, ये एंट्री हमने भी की है रिकॉर्ड वाले टाइम पे। उसके बाद फाइनेंशियल गारंटी टू पी एंड एल 21,935, ये भी हमने किया है। देन फाइनेंशियल गारंटी टू पी एंड एल 21,385, 385 हमारा 375 है वो ड्यू टू द अप्रोक्सीमेशन एंड ऑल, उसकी वजह से बस हमने भी यही किया, इन्होंने भी वही किया है जो ये पूछ रहे थे, हमने भी कर दिया। ओके 31 मार्च दिस प्रोबेबिलिटी विल बी दिस, हमने भी ये किया, 1 अप्रैल की एंट्री की, देन फर्स्ट ईयर खत्म हो गया तो 31 मार्च 2002 आ गया, उस दिन एंट्री की, फिर वो खत्म हो गया तो 31 मार्च 2003 हो गया। एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा था 2000 अप्रैल 1 से, मतलब 2001 से, टू टू से थ्री, थ्री से फोर, 3 साल चल रहा, पर हमें जो एंट्री करनी थी वो इनिशियल पे की हमने, फिर फर्स्ट ईयर की एंट्री की, फिर सेकेंड ईयर की एंट्री की। तो अकॉर्डिंगली वी हैव डन एवरीथिंग विच इज आस्क इन द क्वेश्चन। सो होप दैट दिस मे बी हेल्प यू इन सम अनदर वे, एंड दिस इज आई रिकॉर्डेड सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। ऑल राइट, चलो भाई चलते हैं।